कोरोना महामारी के चलते गरीबों को रोजगार देने के नाम पर शासन भले ही लाख दावे पेश करे, लेकिन जमीनी स्तर पर दावों की पोल खोखली दिखाई दे रही है। पता उस समय चला जब एक गांव के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला भिकनगांव जनपद के अंतर्गत ग्राम अंदर जामनिया का है, जहां मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। इस दौरान मजदूर तबके के महिला पुरुष ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन को समस्या से अवगत कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर आरोप लगाया कि दोनों की मिली भगत से हमें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वहीं लोगों ने भी यही बताया कि मजदूरी के नाम पर पैसों की बंदरबांट चल रही है और शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बहरहाल ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई है कि पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके उचित कार्यवाही की जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जामना में रहती हूँ, मेरे पास नहीं तो मकान है और नहीं खेतीबाड़ी कुछ भी नहीं है, और 35 किलो अनाज मिल रहा था, वो भी मेरी कॉपिंग काट दी तो सुशीला भाई ने। अब हम क्या खाएंगे? कौन है सुशीला भाई? वो हमारे अंदर में रहती है, तो हमारी कॉपी काट दे। हम धंधा पानी करने जाते हैं। आप सब लोग किस क्या समस्या लेकर यहाँ पर आए? यही समस्या लेके आते हैं। हमको दाढ़ी मजूरी कुछ भी नहीं लग रही, हम भूख मर रहे, कोई हमको दे नहीं रहा, फिर हम क्या खाएंगे? हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? मनरेगा में कोई काम नहीं मिल रहा क्या? हमारे पास कुटी भी नहीं है, रहने का साधन नहीं है, कुए कीचड़ पानी में। सरपंच सचिव से बात कर रही थी क्या? अंदर जामुना से आए हम, हमारे पास कोई राशन पानी नहीं है, हमारे को कोई मजदूरी नहीं मिली है। आगे से सरकार ने मजदूरी दी, वो हमको सरपंच सुशी ने कोई हमको मजदूरी कुछ भी नहीं दी, नहीं हमको राशन पानी मिल रही, नहीं हमारे को सुशाला मिल रहा है, नहीं कुटी मिल रही। ये समस्या लेके हम तुम्हारे पास लेके आए हैं। क्या बोले अभी साहब ने, क्या निर्देश दिया साहब ने? बोल दिया कि हम आ रहे हैं देखने के लिए, किसने कुछ नहीं दिया, किसने कुछ नहीं किया, वो हम अभी करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम अंदर जामुना से आए हैं। क्या नाम आपका? शारदा भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।